दोस्तों, हम जब भी वॉच परचेस करते हैं हमारा ज़्यादातर फोकस वॉच के लुक्स पे होता है। हम कभी नहीं ध्यान देते कि वॉच के अंदर मूवमेंट कौन सा लगा हुआ है। वॉच मेकिंग कंपनीज को ये बात पता है, इसीलिए उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस वॉच के डायल पे, वाटर रेजिस्टेंस पे, वॉच के मटेरियल पे होता है। ऑल इन ऑल बाहरी खूबसूरती। पर अगर आपने नोटिस किया होगा, वॉच ब्रांड्स मूवमेंट्स के बारे में छुपा के रखते हैं, बताते नहीं कि वॉच के अंदर कौन सा माल है। चाइनीज माल है तो बिल्कुल भी नहीं बताते, और अगर जापानीज या स्विस मेड मूवमेंट है तो जोर शोर से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। देखो भाई, जब हम पूरा पैसा पे कर रहे हैं तो ये हाइड एंड सीक वाला गेम क्यों खेलना है। सीधा सीधा बोल दो वॉच के अंदर कौन सा मूवमेंट लगा हुआ है, कौन से कैलिबर का है, कौन से मेक का है, बस इतना तो हम पूछ रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया जैसे आपको नया फोन लेना है, मोबाइल कंपनी आपके हाथ में लेटेस्ट फोन तो पकड़ा रही है पर ये नहीं बता रही है कि अंदर कितने एमएच की बैटरी है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। आपको क्या लगता है क्यों ये वॉच कंपनीज नहीं बताती मूवमेंट के बारे में? आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक डेमो दिखाता हूं। जेलोस वॉचेस एक सिंगापुर बेस्ट माइक्रो ब्रांड है। ये दोनों जेलोस के बेस्ट सेलिंग डाइवर वॉच मॉडल्स है। मॉडल का नाम है स्वॉर्डफिश। दोनों वॉचेस के सेम स्पेक्स है, सेम डायमेंशंस है, दोनों में 300 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है। बाहर से देखने में सब कुछ सेम टू सेम ठीक हो गया, पर अगर मैं इनके अंदर का मूवमेंट चेंज कर दूं तो क्या वॉच का प्राइस, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी भी चेंज होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, इस लेफ्ट साइड वाले वॉच में है सेको का NH35 जापानीज ऑटोमेटिक मूवमेंट, और इस राइट साइड वाले में है एटा का स्विस मेड ऑटोमेटिक मूवमेंट। अब प्राइस देखते हैं, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? NH35 वाले वॉच का प्राइस है $349 और ETA वाले वॉच का प्राइस है $650, ऑलमोस्ट डबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेको का NH35 मूवमेंट खराब है, पर क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि वॉच के अंदर ये वाला मूवमेंट लगा हुआ है, तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि वॉच को 25,000 रुपये से ऊपर पे नहीं करूँगा, क्योंकि मूवमेंट इटसेल्फ का प्राइस 6,000-7,000 रुपये के अंदर है। बाकी आप वॉच मेकिंग में जो भी कॉस्ट होता है उसको ऐड कर लीजिए। तो जागो ग्राहक जागो, वॉच परचेस करने से पहले मूवमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ मूवमेंट्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, वेलकम बैक टू वॉच गियर हिंदी, जहाँ पे सिर्फ वॉचेस की बातें होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, प्लीज़ आप फॉलो कर लेना, वहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में डालता रहता हूँ। कभी कभी ना एक वॉच इतना खूबसूरत होता है और उस वॉच की हेरिटेज एंड ब्रांड वैल्यू इतनी होती है कि आप मूवमेंट को नज़रअंदाज कर देते हो। जैसे टीसॉट का PRX क्वार्ट्ज वेरिएंट वॉच, इसका प्राइस है इंडिया में 30,000 रुपए और इसमें स्विस मेड एटा का क्वार्ट्ज मोमेंट लगा हुआ है। बट ये वॉच है ही इतना कमाल का कि इसका क्वार्ट्ज मोमेंट मायने नहीं रखता है। बट क्या यही बात आप माइकल कोर्स या टॉमी हिलफिगर या कोई भी फैशन ब्रांड वाले वॉच में कह सकते हैं? आई थिंक नो। जनरली तीन तरह के मूवमेंट्स होते हैं, मैनुअल वाइंड मूवमेंट, सेल्फ वाइंड या ऑटोमेटिक मूवमेंट एंड क्वार्ट्ज मूवमेंट। शुरुआती दिनों में बड़े बड़े क्लॉक्स हुआ करते थे, फिर पॉकेट वॉचेस आई और वर्ल्ड वॉर आते आते रिस्ट वॉचेस पॉपुलर होने लगी। पुराने जमाने में बैटरीज वगैरह का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वॉच चलाने के लिए एक इंजीनियस इंजीनियरिंग आइडिया का इन्वेंशन हुआ जिसको कहते हैं मेन स्प्रिंग। जैसे आपके गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी है एक एनर्जी सोर्स जो इंजन और फ्यूल सप्लाई से मिलता है, और गाड़ी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चाहिए सस्पेंशन, ट्रांसमिशन और एक ड्राइवर, वैसे ही वॉच को चलाने के लिए चाहिए एक एनर्जी सोर्स जो वॉच को मिलता है जब आप क्राउन को घुमाकर वाइंड करते हो। इस एनर्जी को मेन स्प्रिंग में स्टोर किया जाता है, मेन स्प्रिंग बैरल में। मेन स्प्रिंग बेसिकली एक कॉइल है जो टेंशन में रहता है जब आप वाइंड करते हो, और ये कॉइल धीरे धीरे से अनवाइंड होते हुए सेट ऑफ व्हील्स एंड गियर्स को एनर्जी ट्रांसमिट कराता है अप टू एस्केपमेंट व्हील और बैलेंस व्हील, जो रेगुलेट करता है आवर, मिनट एंड सेकेंड हैंड्स को। इस तरह से एक मैकेनिकल वॉच काम करता है बिना बैटरी के और बिना किसी ड्राइवर के। जैसे ही मेन स्प्रिंग की एनर्जी पूरी रिलीज हो जाती है, कॉइल पूरा अनवाइंड हो जाता है आफ्टर 30-40 आवर्स, तो वॉच चलना बंद हो जाता है। तो फिर से आप जब भी वॉच को वाइंड करोगे तो वॉच फिर से 30-40 घंटे के लिए चलता रहेगा। HMT के वॉचेस में मैनुअल वाइंड मैकेनिकल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। ऑटोमेटिक मूवमेंट में भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस इसमें एक एडिशनल रोटर लगा होगा। जब आपकी रिस्ट मूव होती है तो ये रोटर भी मूव होता है, और इस रोटर के मूवमेंट से मेन स्प्रिंग को एनर्जी मिलती है। इस तरह से मेन स्प्रिंग की कॉइल वाइंड हो जाती है। आजकल के सारे मैकेनिकल वॉचेस में ऑटोमेटिक मूवमेंट ही लगा होता है। मैनुअल मूवमेंट या ऑटोमेटिक मूवमेंट दोनों ही मैकेनिकल मूवमेंट्स हैं। इनमें 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं जो एक सिम्फनी में काम करते हैं। पूरी दुनिया में कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही है जो मैकेनिकल मूवमेंट्स बनाती है, बिकॉज ये एक हाईली स्किल्ड एंड हैंडमेड जॉब है। इसीलिए मैकेनिकल मूवमेंट्स का प्राइस क्वार्ट्ज मूवमेंट्स से 10 गुना ज़्यादा रहता है, और मैकेनिकल वॉचेस की लाइफ भी 50 साल, 60 साल, 70 साल तक चलती है। बस आपको वॉच को सर्विस करना है 7-8 साल में एक बार।
1969 में सेको ने पहला क्वार्ट्ज वॉच रिलीज किया था। क्वार्ट्ज वॉच में मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। एनर्जी सोर्स के लिए बैटरी सेल का यूज होता है जो एक मेन स्प्रिंग का काम करता है। बैटरी सेल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चार्ज करता है जिससे क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट होता है 32,768 टाइम्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस वाइब्रेशन को काउंट करता है और इलेक्ट्रिक पल्स भेजता है स्टेपर मोटर को जो वॉच के हैंड्स को घुमाता है टाइम दिखाने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से टाइम रेगुलेट होता है इसलिए क्वार्ट्ज वॉचेस ज्यादा एक्यूरेट होती है कंपेयर टू मैकेनिकल वॉचेस। जब बैटरी सेल डिस्चार्ज हो जाती है तो वॉच बंद हो जाता है जब तक आप बैटरी को रिप्लेस नहीं करोगे। इसीलिए अब मार्केट में सोलर वॉचेस मिलने लगी है। सोलर वॉचेस में बेसिकली सोलर सेल्स लगी होती है जो सनलाइट को या टॉर्च लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है और इस एनर्जी से वॉच चलता है। सोलर वॉचेस में रिचार्जेबल बैटरीज होती है इसीलिए कभी भी बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वार्ट्ज वॉचेस बेसिकली यूज एंड थ्रो है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई सर्विसिंग नहीं। क्वार्ट्ज वॉचेस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और बैटरी होती है इसलिए इनके मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल कॉस्ट बहुत लो होता है एंड एक बार में क्वार्ट्ज मोमेंट्स को रोबोट्स के थ्रू मास प्रोड्यूस किया जाता है। जबकि मैकेनिकल वॉचेस में बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के, बिना बैटरी के नेचुरल हैंड मूवमेंट से वॉच चलने लगता है। मैकेनिकल मूवमेंट्स को मास प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मैकेनिकल मूवमेंट्स बनाने के लिए एक्सेप्शनल स्किल और R&D चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वॉच कंपनीज भी किसी और थर्ड पार्टी कंपनी से मूवमेंट खरीदती है अपने वॉचेस के लिए। इंडिया में सारे वॉचेस के मूवमेंट्स या तो चाइनीज होते हैं या तो एंट्री लेवल मियोटा के होते हैं अनलेस स्पेसिफाइड। टाइटन अपने मूवमेंट्स क्वार्ट्ज मूवमेंट्स खुद से बनाता है और HMT भी अपने मैकेनिकल मूवमेंट्स बनाने के टेक्नोलॉजी एंड लाइसेंस दोनों HMT के पास है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में जैसे मैंने बोला गिनी चुनी कंपनीज ही है जो मैकेनिकल मूवमेंट्स बनाती है। आपके फिंगर टिप्स पे नाम होंगे जैसे एटा, सेलिटा, सेको, मियोटा, सीगल, रोंडा। देखिए एक नॉर्मल एंट्री लेवल क्वार्ट्ज मोमेंट का प्राइस होता है 500 से 1000 रुपये और अगर कॉम्प्लिकेशंस ऐड किए जाए जैसे क्रोनोग्राफ कॉम्प्लिकेशन या डे एंड डेट कॉम्प्लिकेशन तो प्राइस बढ़ जाता है। वहीं पे मैकेनिकल मोमेंट का प्राइस एंट्री लेवल में 3-4 हज़ार रुपये होता है और अगर एक रेप्यूटेड कंपनी का ऑटोमेटिक मोमेंट है तो उसका प्राइस है 7-8 हज़ार रुपये से शुरू होता है। अब इंडिया में क्या होता है कि सारे वॉच ब्रांड ज़्यादातर क्वार्ट्ज मोमेंट वाले होते हैं। किसी भी वॉच में ना फ्रंट डायल पे ना ही बैक साइड केस बैक पे मेंशन होता है मोमेंट के बारे में। स्पेसिफिकेशन में भी आप चेक करोगे तो बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दे के रखा है बट सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मूवमेंट के कॉलम में सिर्फ क्वार्ट्ज लिखा होगा, ना कोई कैलिबर नंबर ना कोई मेक। तो बिना इस इन्फॉर्मेशन के आप आइडिया नहीं लगा पाओगे कि भाई 8-10 हज़ार रुपये का वॉच है बट मूवमेंट कितने का है। यही काम इंडियन वॉच ब्रांड्स भी करते हैं जो गलत बात है। 5 हज़ार रुपये से नीचे अगर वॉच है तो आप मूवमेंट का डिटेल मत बताओ, चलेगा। बट उससे ऊपर अगर वॉच है तो कस्टमर को पता रहना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट लगा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें आइडिया आ गया है कि वॉच पे सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि मूवमेंट भी मैटर करता है और आज हमने ये भी सीखा है कि कितनी तरह के मूवमेंट्स होते हैं और डिफरेंस क्या होता है और काम कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है आपने। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।